स्टेट में ही माल फोल्ड कर सकता हूँ, अदर स्टेट में नहीं करूंगा। अगर अदर स्टेट में करता हूँ, जैसे अपना हरियाणा बॉर्डर लगता है, गुजरात बॉर्डर लगता है, यूपी का भी लगता है, दिल्ली का, तो मैं अगर वहां माल बेचना चाहूँ तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, मुझे रेगुलर स्कीम में डालना ही होगा उसके लिए। तीसरा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को सबसे बड़ा लॉस हुआ 1 जुलाई 2017 को, जब रेस्टोरेंट मतलब जीएसटी आया था, रेस्टोरेंट को बोला था कि आप रेगुलर स्कीम में भी रजिस्टर्ड करा सकते हो, तो क्योंकि काफी सारे होटल्स तो ये वगैरह लग्जरी होटल्स को तभी भी उसमें डाला हुआ है इन्होंने करके जैसे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको वो इनपुट मिल जाएगी जो भी आप सामान लेकर आओगे, लेकिन आपको जो सब्जी वगैरह जो भी आप दे रहे हो कंज्यूमर के लिए, तो वो आपको सस्ती करो उस चीज के लिए। जैसे रेस्टोरेंट ने पहले 18% लगाया था टैक्स स्टार्टिंग में, 1 जुलाई 2017 को जब आया था, ठीक है। आप उनको बोला कि आप जो भी सामान खरीद के ला रहे हो, सब्जी पे तो खैर टैक्स नहीं है, किराने का सामान लेकर आ रहे हो, फिक्स असेट्स लेकर आ रहे हो, आपको इनपुट क्लेम करो। आप खाना खाने गए, वहां आपने खाना खाया 500 रुपए का, जो भी खाया किसी भी रेस्टोरेंट में, तो उसने 18% टैक्स लगा दिया, तो 90 रुपए उसमें गए। गवर्नमेंट गए था कि भैया हम आपको जब इनपुट क्लेम कर रहे हैं, आपको इनपुट मिल रही है, आप टैक्स कंज्यूमर से ले रहे हो, तो सब्जी तो सस्ती करो ना, जो चीज आप 100 रुपए की दे रहे हो 80 रुपए की, दोनों चीज के लिए। इन्होंने नहीं किया, 2 महीने बाद अमेंडमेंट लेकर आए, सभी को डाल दिया कंपोजिशन में, अब आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगी, और बोला 5% टैक्स दो। 1 सितंबर 2017 को वो अमेंडमेंट, अभी भी रेस्टोरेंट वाले लॉस में। जैसे कोई भी रेस्टोरेंट होता है 20 लाख, जोमेटो जोमेटो जैसे किसी रेस्टोरेंट को अगर जोमेटो में रजिस्टर करना है तो उसे जीएसटी मैंडेटरी है, उसके बिना उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ई कॉमर्स हो गया। कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा ई कॉमर्स में अपना माल सोल्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके उसको रेगुलर लेना ही होगा। तो रेस्टोरेंट वाले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि इनपुट भी क्लेम नहीं हो रहा, और जो भी हम खाना जो भी हम सोल्ड करेंगे ऑनलाइन, भाई कैश में तो कोई नहीं दिखाता आजकल, कैश में सब अपने जेब में रखते हैं, जो भी सोल्ड करेंगे 5% टैक्स देना पड़ेगा रेस्टोरेंट। जैसे सरस पार्लर हुआ आपका, सरस पार्लर ये जेलन वाला हुआ, सेक्रेटरीट में भी सरस पार्लर है, तो सरस पार्लर काम मेरे पास भी था, तो मेरी वही हुआ था कि आपको जो भी सोल्ड करना था मैं 5% टैक्स देना पड़ता, तो सबसे बड़ा लॉस होता था, क्योंकि हम कॉफी वगैरह लेकर आते हैं उस पर 18% टैक्स है, 18 वो, और 5% मैंने आपसे लिया तो 23% टैक्स देना पड़ता था, और इसलिए कंपोजिशन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा इसमें। रेगुलर में पहले ये था कि सर्विस और ट्रेडर्स को 20 लाख से ऊपर लिमिट डाली थी इन्होंने, अगर जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी है, कंपोजिशन पर नहीं लेते हो तो उसमें आपको इसमें तो लेना ही होगा रेगुलर में। लेकिन अभी जो रिसेंट जैसे आपका किराने वाला हुआ, किराने की 20 लाख से ज्यादा की सेल हो जाती है नॉर्मली, आपको किराने वालों की 20 लाख से ज्यादा की सेल हो जाती है नंबर एक में 20 लाख रुपए से, उसके लिए इन्होंने क्या करा 40 लाख रुपए डाल दिए इसके ट्रेडर्स के लिए। अभी जो रिसेंट लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया तो उन्होंने बोला कि आपको 40 लाख तक अगर किसी किराने वाले का या छोटे व्यापारी का, ओनली ट्रेडर का, सर्विस वाले का नहीं, 40 लाख तक अगर आपका ट्रेडर का है तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी नहीं रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन कराना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो माल आप परचेज कर रहे हो तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, वो तो सामने वाला वो टैक्स देना ही पड़ेगा आपको। सर्विस वालों के लिए अभी भी 20 लाख रुपए, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हुई या किसी भी सर्विस उसके लिए 20 लाख रुपए लिमिट, ये लिमिट पूछ सकता है आपके लिए पेपर में कि सर आपको 20 लाख की लिमिट कब है, 40 लाख के लिए किसके लिए है। 20 लाख पे सर्विस पे 18% है आपका टैक्स फिक्स है, 9% सीजीएसटी, 9% है एसजीएसटी और आईजीएसटी 18। लग्जरी सर्विस पे सभी पे 28%, क्योंकि लग्जरी सर्विस हो गई आपकी होटल जो 5 स्टार से 28%, 3 स्टार जो रूम 1000 से ज्यादा एक लिमिट बना रखे उस पर 18% है। एसी हुआ लग्जरी में आता है, कार हुई आपकी लग्जरी में आते हैं, क्योंकि भाई पैसे वाला खरीदेगा इन चीजों को, हम जैसे तो नहीं खरीदेंगे गरीब लोग, तो लग्जरी में 28%। सीमेंट पे 28% सबसे ज्यादा टैक्स है, क्योंकि तो आपका सीमेंट का बैग आता है 2325 का, जिस पर 28% आपको टैक्स देना होता है, सीमेंट पे सबसे ज्यादा टैक्स ये देती है। बैटरी इन्वर्टर जो लग्जरी सर्विस है ना आपकी, उस पर 28% टैक्स दिया। बोला कि भाई मीडियम परिवार को लोअर कैटेगरी को छोड़कर उन्होंने बोला कि आप लग्जरी पे दिया इन्होंने। एक आधा टॉपिक आपका टाइम वैल्यू माय सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा आपका, ये इस पर क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं आप प्रैक्टिकल वाले। प्लेस ऑफ सप्लाई यह होगा कि जैसे 50,000 से ऊपर का अगर माल आप गुड्स बेचते हो राजस्थान में कहीं भी, तो आपको ईवी बिल की जनरेट करने की जरूरत ही होता है। दूसरी, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो फिर भी आपको ईवी बिल देना पड़ेगा अगर आप नंबर एक में दे रहे हो तो। टाइम ऑफ सप्लाई जैसे हुआ, कंपनी आपकी राजस्थान में, ठीक है, महाराष्ट्र की कोई किसी कंपनी का ब्रांच आपकी राजस्थान में, आपको एक आईएसपी होल्डर का ये एग्जांपल है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस हुआ या कोई भी आईएसपी होल्डर हो, जैसे आप घर में भी यूज करते ब्रॉडबैंड वगैरह, ठीक है, उसी कंपनी राजस्थान में जयपुर में उसका हेड ऑफिस है,
वो अपनी सर्विस राजस्थान में देता है बस, ओनली अदर स्टेट में नहीं देता। तो सी जी एस टी, लगाएगा सर्विस 18%। महाराष्ट्र में कोई कंपनी है जैसे आपके रिलायंस का हेड ऑफिस महाराष्ट्र में, उसकी कोई ब्रांच यहाँ खोली हुई है राजस्थान में, या तो वो राजस्थान का जीएसटी लेगा यहाँ का, नहीं लेता है तो वो उस जीएसटी को हमको देगा कि भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मैं जो बिलिंग करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो रही है, राजस्थान में हो रही है, तो मैं बिल पे क्या लगाऊंगा, आई जी एस टी नहीं लगाऊंगा, सी जी एस टी एस जी एस टी लगाऊंगा। रीजन नहीं, मैं जैसे ये एक्स है जो राजस्थान का है, ठीक है, इसका जीएसटी रजिस्टर्ड है राजस्थान में, रिलायंस कंपनी का हेड ऑफिस आपका है महाराष्ट्र में, उसकी कुछ ब्रांच यहाँ खोली हुई है, छोटा सा ऑफिस है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे एक साल के लिए, ठीक है, वो बोलते हैं सर मेरे को इंटरनेट सर्विस चाहिए, ठीक है, दे देंगे आपने, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे भाई, जो भी आपके यहाँ रजिस्टर्ड और एड्रेस प्रूफ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे दिया, ठीक है। महाराष्ट्र में 27 से स्टार्ट होता है जो कोड है वहाँ का, महाराष्ट्र में अपना राजस्थान का 08 है, ठीक है, तो उसने जो 27 देखते ही मैं सोच जीएसटी कॉपी 27 महाराष्ट्र का, दिल्ली का 07 है, गुड़गांव का कुछ है 06 है, जो भी है 27 देखते ही मैंने, ठीक है सर वो हो जाएगा। बिलिंग की मैंने, बिलिंग पर मैंने आईजीएसटी नहीं करूंगा सर, सीजीएसटी एसजीएसटी लिखूंगा। मैंने 1000 रुपये का प्लान दिया उसके लिए, सीजीएसटी ऐड किया, ₹1100 का बिल दे दिया। अब मेरे को रिलायंस वाला जो यहाँ का बंदा वो कहता है सर मेरे को आईजीएसटी लगा कर दो, मेरे को तो यहाँ इनपुट ही नहीं मिलेगी मेरे को तो इस भ्याप पे, क्योंकि ये बिलिंग वहां होगी महाराष्ट्र, जो कि बिल वहां जाएगा इसका हेड ऑफिस का, मैं इसकी जीएसटी इसके पोर्टल पे अपडेट कर दूंगा, जो भी चढ़ा दूंगा, लेकिन इसको इनपुट नहीं मिलेगी राजस्थान पे। हाँ वाइट ये वाली, ठीक है, उसको इनपुट नहीं मिलेगी। रीजन, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ दिया है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में नहीं दिया। मैं उससे बोलूंगा भाई मेरे को राजस्थान का मेरे को वो दे दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाके, सर मैं तो एक साल के लिए आया हूँ, मैं तो दूँ, मैं तो फिर मेरे को बाइंड अप कराना पड़ेगा, तो सर मैं आपको नहीं दूंगा। अगर मैं उसको आईजीएसटी लगा के देता हूँ तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई में महाराष्ट्र में नहीं दे रहा, मैं राजस्थान में दे रहा हूँ, जहाँ दे रहा हूँ तो वहीं का तो सीजे भाई, इसमें गवर्नमेंट लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस। कैसे, आपकी ये स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी भाई सर सप्लाई तो आप यहाँ दे रहे हो तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेगी भाई, आईजीएसटी होते ही सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पास जाएगा। सर मेरी ब्रांच महाराष्ट्र में है ही नहीं है ना, सब आप बताएं, जैसे आपने बताया हेड ऑफिस महाराष्ट्र सप्लाई नहीं दे रहा। मैं एक समझ, मैं एक एक्स हूँ, आप एक बाई है, मैंने इंटरनेट सर्विस देता हूँ, मैं, मेरी कंपनी है स्काईलाइन, ये राजस्थान तो राजस्थान में, अगर मैं आपको राजस्थान में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दूंगा, आप B2C हो B2B हो मुझे कोई मतलब नहीं है, B2B हो तो आपको इनपुट मिल जाएगी सीजीएसटी एसजीएसटी में, मतलब क्लेम कर सकते हो, B2C का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के खाते में जाता है पैसा, कोई कंज्यूमर के पास गया वो सीधे लास्ट में। रिलायंस से कोई भी महाराष्ट्र, मतलब कोई हेड ऑफिस का महाराष्ट्र, कॉर्पोरेट ऑफिस का महाराष्ट्र में, समझो बात को, महाराष्ट्र अदर स्टेट में, मैं तो गुड़गांव में ही हो पास ही पास, ठीक है, उसकी यहाँ ब्रांच खोली है, ब्रांच ऊपर आप है ना हर स्टेट में एक जीएसटी नंबर ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने बोल रखा है, रिलायंस लिमिटेड है वो हर स्टेट में अपना जीएसटी नंबर ले सकती है, अगर हर स्टेट में लेगी तो मेरे को अपने राशन का जीएसटी नंबर दे देगी, तो उसको इनपुट मिल जाएगी, क्योंकि उसका मैं सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम करूंगा तो वो राशन वाली रिटर्न जब आपकी भरेगी भर देगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तो यार एक साल के लिए आया हूँ, मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को बंद कराना पड़ेगा, अभी मैं खुलवा भी लेता हूँ तो जीएसटी नंबर राजस्थान का ले लेता हूँ, तो आप ऐसा करो हम एड्रेस प्रूफ के लिए क्या होता है, बड़ी कंपनियों को कोई भी कंपनी होती है ना वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगती है, कोई रजिस्टर्ड कम वो तो दो भाई, आप या दे दो या MSME का दे दो या शॉप एक्ट दे दो, तो उसने जीएसटी वाला दे दिया, ठीक है, उसको 27 से आया जीएसटी नंबर जो भी है। अब मैं बिलिंग का मेथड महाराष्ट्र वाले कहेंगे सर आप हमें आईजीएसटी लगा के दो, क्योंकि अगर महाराष्ट्र वाले को आईजीएसटी क्यों लगा के देंगे, क्योंकि उनके पास 08 वाला पहुंचेगा ना, महाराष्ट्र वाले के पास जो बिलिंग पहुंचेगा वो 08 से पहुंचेगी,
तो बोलेगा सर अदर स्टेट के लिए अगर जब वो क्लेम करेंगे तो आईजीएसटी होना जरूरी होता है, तो क्लेम कर सकते हैं। मैं बोलूंगा सर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में दे रहा हूँ, तो मैं आईजीएसटी को लगा दूँ। आईजीएसटी जब दूंगा अगर मेरी सर्विस गुड़गांव में होती, महाराष्ट्र में होती, तो मैं आईजीएसटी लगा के दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का मैं अदर स्टेट में दे रहा हूँ। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि भैया आप सर्विस यहाँ राजस्थान में नहीं दे रहे हो, आप अदर स्टेट में दे रहे हो, तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब सप्लाई यहाँ दे रहे हो तो मैं तो पैसा लूंगा ना भाई। हच और वोडाफोन वाले केस में यही हुआ था, वो कहते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट साहब आपने यहाँ बिजनेस किया करोड़ों रुपए का, सप्लाई सब कुछ हेड ऑफिस यहाँ आता, आपने जो डीलिंग कर ली सोल्ड सेल की तो अपने आउट ऑफ इंडिया कर ली वो सारी। तो वो कहती सर हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ था ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो हमारी ब्रांच खुली हुई थी जो भी एक सब खोली, क्योंकि वहाँ आईएनसी लगता है, यहाँ जैसे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगता है ना, आउट ऑफ इंडिया आईएनसी लगता है, तो हमारी जो हेड ऑफिस आईएनसी वहाँ था, तो उस पर काफी सारा केस चला था कि आपने इंडिया का बिजनेस हच से वोडाफोन में बेच दिया। तो अब इस पर मेरे को टैक्स ऑफ कैपिटल गेन अराइज हुआ था उस पर, भैया आपने 20,000 करोड़ कंपनी 40,000 करोड़, तो गवर्नमेंट कहती है मेरे को कैपिटल गेन दो, गवर्नमेंट कहती है हम क्यों कैपिटल गेन दे, मैंने इंडिया का बिजनेस आउट ऑफ इंडिया बेच दिया कंपनी टू कंपनी, क्योंकि वोडाफोन भी आउट ऑफ इंडिया की थी, इंडिया की नहीं थी, तो यहाँ जो बिजनेस करेगी उस पर हम टैक्स देंगे आपको। तो इस पर ही ये बात होती है, गवर्नमेंट कहती नहीं सर आपका बिजनेस तो यहाँ था, आपने यहाँ के यहाँ का बिजनेस बेच दिया आउट ऑफ इंडिया, तो उस पर काफी बहस हुई थी। तो इस पर आपको एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा, तो उसको यहाँ इनपुट नहीं मिलेगी। कोई डाउट है आपको अभी भी बताओ पूछो। नहीं अगर हम भाई बिलिंग का समझो, दो तरह बिलिंग दो तरह से होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई और बिलिंग ऑफ एड्रेस। आप कभी भी अकाउंटिंग करोगे ना, जो बिलिंग में दो चीज मांगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे यहाँ कंपनी का नाम आ गया, ठीक है, एड्रेस आ गया कंपनी का जिसको हम बिल सप्लाई का जो भी आ रहा है, यहाँ आता है कि बिलिंग एड्रेस जी। पेन यूज कर रहा है, अच्छा ये होगा बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस होगा तो क्या आपने जीएसटी का जो आई मीन जो भी आपने रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस दिया वो आपने गुड़गांव वगैरह का दिया, गुड़गांव को आ गया या हरियाणा का आ गया, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी आ रही राजस्थान। अब प्लेस पे आता है पीओपी, आपने सर्विस टैक्स में पढ़ा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सर्विस टैक्स में भी आई, तो वही चीज़ है सेम भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा ना, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आप अदर स्टेट में आप दे दोगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप कहाँ दे रहे हो, राजस्थान में, राजस्थान में दे रहे हो, तो गहलोत जी कह लेंगे भाई सब तुम यहाँ पैसा यहाँ कमा रहा है और यहाँ सामने वाला कंपनी भी यहाँ पैसा कमा रही है, तो उसका टैक्स मैं लूंगी ना दोस्तों। भाई लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली ये मत सोचो, सीजीएसटी छोड़ो, मेरा कंपनी मैं राजस्थान में लेके बैठा हूँ जमीन को, ठीक है, सामने वाला आप भी अदर स्टेट से यहाँ काम करने के लिए आ गए, तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ तू काम कर रहा है पैसा कमा रहा है मेरी स्टेट से, तो कुछ तो पैसा देके जाओगे, तो मेरे को प्रैक्टिकली सोचो इस चीज के लिए, बस वही चीज है। तो 50% मेरे को देके जाए, 50% ले जाए सीजीएसटी का, मुझे तो नहीं चाहिए इसका पैसा। हाँ अगर अब मैं हरियाणा में मेरी कोई ब्रांच, जैसे मैं राजस्थान का बन, जैसे आपको अमेजोन से कुछ सामान मांगो, क्लाउड टेल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफी सारे आते हैं, आज से 6 महीने पहले क्या होता था, जो भी सामान मंगाते थे वो आईजीएसटी में आता था राजस्थान में। कोरोना के बाद उसने देखा कि यार राजस्थान में तो बहुत सारा सामान आ रहा है, उसका पहले हेड ऑफिस बॉम्बे था, तो उसने कहा कि एक हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव खोल लिया, तो मैंने जैसे सामान मंगाया तो पहले महाराष्ट्र से बिलिंग होती थी 27 लाख कराता था, मैंने आईजीएसटी लग कराता, क्योंकि उसने महाराष्ट्र से यहाँ बेचा। फिर अभी कुछ पहले सामान मंगाया कुछ चीज़ें क्लाउड टेल के थ्रू भी, तो वो गुड़गांव से आ गया 07, क्योंकि नोएडा गुड़गांव और दिल्ली कवर हो गया। अब कुछ सामान मंगाया राजस्थान में, उसने बेरास डाले और राजस्थान का नंबर ले लिया, मुझे फायदा होगा सीजीएसटी रजिस्ट्री में बिलिंग हो गई। हाँ मैं एक क्वेश्चन साझा था सीजीएसटी रजिस्ट्री में, आपके पास तो आपने कुछ सामान मंगाया बाहर से, आईजीएसटी लगकर आया, टैक्स का टैक्स पार्ट बता रहा हूँ, ये टैक्स ओनली, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है टैक्स, 1,000 रुपये का आपके पास आईजीएसटी लगकर आया, बिजनेस मैन हो आप भी, 900 रुपये कोई मेरे पास जीएसटी आ गई, मैं मतलब मेरे पास 29 रुपये की क्रेडिट पड़ी हुई है, आईजीएसटी पड़ी हुई है, जीएसटी है, एसजीएसटी है मेरे पास सारी चीज़ें, ठीक है इतना सारा पैसा पड़ा। अब आप सेल करो कुछ माल,
इसे क्रॉस कैसे होता है, ये तो जैसे आप, ये तो आपने परचेज किया, अब आप सेल करो कुछ भी सामान, सेल करोगे जैसे आपने आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, आपने सामान मंगाया एक्स से, जोधपुर से मंगा लिया आपने 1 लाख रुपए का सामान, और कुछ सामान मैंने दिल्ली से मंगा लिया 2 लाख रुपए का, ठीक है। आपने अपना जीएसटी नंबर दे दिया, जो दिल्ली से सामान आया 2 लाख रुपए का उस पर IGST लग कर आया, जो आपने जोधपुर से सामान मंगाया इलेक्ट्रॉनिक में CGST लग कर आ गया आपके पास। अब आप सोल्ड करो B2C को, B2B को, आपने उनको बेच दिया माल, टीवी बेचा कुछ भी बेचा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बिलिंग बनाना जरूरी होता है क्योंकि तो गारंटी के रहता है, और मैं भी चाहूंगा सब बिल बनाओ मेरे लिए। अदर आइटम में जैसे रेस्टोरेंट का हुआ, बिल बनाना जरूरी नहीं होता, अरे भाई कैश में तो कच्ची पर्ची पे टैक्स बच जाता है, वहाँ किराने का सामान हुआ वहां भी टैक्स बचा लेते हैं, रिलायंस फ्रेश नहीं बचाएगा, डीमार्ट नहीं बचाएगा। अब मैंने माल बेचा 30,000 रुपये का कोई भी, जिसपे मैंने 18% टैक्स लगाया, तो 54 हुआ, ठीक है। जो 54 हुआ है देखो, या तो मैंने अगर अदर स्टेट के माल बेचा है तो IGST लगा के बेचूंगा मैं, आप आए गुड़गांव से, यार यहाँ सस्ता मिल रहा है टीवी, वहां महंगा मिलता है, तो मैं IGST बिलिंग कर दूंगा क्योंकि तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई वहां जा रही है गुड़गांव की इसमें, या CGST IGST जयपुर के, जयपुर माल बेचा है। अब आप रिटर्न भरोगे टैक्स, क्योंकि आपने तो कंज्यूमर से टैक्स ले चुके हो ना इस चीज को, तो बिलिंग में अब क्या करोगे, अब आप अपने पोर्टल पर जाओगे, यहाँ कितना टैक्स किया हुआ मेरे पास 2,900, आपको पे कितना करना है 5,400, तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा वो आपको अपने बैंक से पे करना पड़ेगा। अब आता है सेट ऑफ की बात, स्टार्टिंग में IGST जब आया था ओनली CGST से एडजस्ट हो रहा था, बस ओनली IGST से नहीं हो रहा था, जब स्टार्ट में 1 जुलाई 2017 को आया था तो गवर्नमेंट ने बोला जो आपने SGST कंज्यूमर से लिया है इसको ओनली इसी से सेट ऑफ होगा, तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे 1,800 इसमें SGST में, ठीक है। और ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है CGST SGST, तो इन्होंने अपनी मनमानी कर ली भाई, IGST से CGST एडजस्ट कर लो अपना तो घर के हैं दोनों ही, IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पार्ट वहां जाएगा 27-18%, और ये भी CGST के वहां जाएगा। लेकिन बाद में अमेंडमेंट आया है कि ठीक है IGST पहले सेट ऑफ होगा CGST से, पैसा IGST में और बच जाए तो फिर आपको SGST में एडजस्ट हो। हाँ लेकिन ये दोनों आपस में नहीं होंगे, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि IGST किस किस से सेट ऑफ हो सकता है, तो पहले माइंड में था CGST से होगा, लेकिन अभी CGST अगर पैसा बचता है तो IGST से कर सकते हो इस चीज के लिए, लेकिन ये आपस में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो भैया दोनों एंटी के हैं आपस में, लड़ाई करने वाले वो मोदी जी हैं, कांग्रेस और बीजेपी मान लो इसको, तो आपस में सेंट्रल और ये नहीं करेंगे आपस में, लेकिन IGST के लिए कर लेगा, ठीक है भाई तुम्हारा भी पार्ट है कुछ इसमें तो आप कर सकते हो, नहीं है ना सर पेनल्टी लेट फीस, पेनल्टी कैसे समझा नहीं मैं उसको, पेनल्टी नहीं सर पेनल्टी के लिए तो आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा पैसा, अगर आपके पास इनपुट पड़ी हुई है पोर्टल पे और आपने रिटर्न पे भरी नहीं है, आपने GST की जो भी ड्यू डेट आती है जैसे 11th है, 20 है, 3B की और GST 1 की, तो इनपुट से एडजस्ट नहीं होगा, अलग से पेमेंट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन से आता है, नील एंड पेमेंट वाले टैक्स वाले 3B GST R1 दो ही रिटर्न है आपकी, GST R1 और 3B रेगुलर में, कंपोजिशन की भी बता, CMP 08 है उसकी। अगर 3B आपकी जैसे डेट होती है इस मंथ की नेक्स्ट 20, दो चीज होती है इसमें, आप तो क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हो या मंथली, जो बड़ी जी नहीं वो QRMP अलग, मतलब QRMP आया है वो, इसमें क्या होता है कि अगर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का है उनको मंथली ही भरना होगा, और 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनके पास सिलेक्टेड है, क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर है उनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मंथली हो जाएगा। आपकी जैसे अभी कौन सा मंथ चला, अप्रैल चल रहा है, मार्च खत्म हुआ अभी क्लोजिंग, इसकी रिटर्न ड्यू डेट है 3B की 20 अप्रैल, ठीक है, और GST 1 की डेट आई है अभी इसकी 11 और 13, तो डेट एक्स के अंदर GST 1 पर भी कोई पेनल्टी नहीं है, अगर आप थोड़ा लेट भी भर सकते हो, काफी लोग नहीं भरते, लेकिन अगर जब तक आप GST R1 नहीं भरोगे ना तो सामने वाले को इनपुट नहीं शो करेगा, तो हमारा मैंडेटरी हो जाता है भरना, नहीं तो सामने वाला फोन करेगा, अरे सर आपने आपको माल तो
आपने हमको माल तो बेच दिया लेकिन मेरे पोर्टल पे जो इनपुट शो नहीं हो रहा, जब तक इनपुट शो नहीं होगा तो वो क्लेम नहीं कर सकता, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रुक जाएगी। इसका प्रैक्टिकल बताऊं उसको कैसे है? आपको बताऊं समझ, देखो ऐसे है। ये एक्स है, ये बाई है, ये सेलर, ये परचेजर, ठीक है। इसने इसको माल बेचा, ठीक है, 1000 रुपए का माल बेचा, जिसपे 18% जीएसटी लगा, 180 रुपए, ठीक है। ये भी जीएसटी में रेगुलर में है, बी टू बी है, ये भी रेगुलर में बी टू बी है। अगर ये परचेजर बी टू सी होता तो इसे कोई मतलब नहीं, जैसे हम जैसे कंज्यूमर जमा कराए मत कराए, मुझे कोई इनपुट लेनी नहीं है। लेकिन बी टू बी वाला बोलेगा भाई साहब मुझे तो जो, क्योंकि इसने भी किसी जेड को माल बेचा है ना, बी टू बी का मतलब यही होगा ना, बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस। ये बोलेगा भाई साहब मेरी भी डेट आ गई, मैंने भी आगे माल बेचा, तो मुझे भी 200 रुपए टैक्स पे करना है। वो ये कहेगा यार मैं तो 20 रुपए पे करूंगा, कोई 180 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। अगर ये जीएसटी वन नहीं भरेगा, फिल नहीं करता एक्स ये, तो उसके जीएसटी के पोर्टल पर शो नहीं करेगा 180 रुपए। नहीं करेगा तो भाई साहब 200 रुपए पे करो आप, आज लास्ट डेट हो गई। अब यार मेरी 180 रुपए की डब्ल्यू सी रुक गई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि एक तो बैंक में वैसे ही पैसा नहीं है मेरे पास, और मैं 180 रुपए तो यहाँ होल्ड कर गया, ये अमाउंट रिफंड भी नहीं होता बाद में, याद रखना। गवर्नमेंट कहती है हम सेट ऑफ करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे पैसा। वैट में रिफंड का था ऑप्शन, सर्वेक्षण इसमें रिफंड का ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट पैसा खा जाती सारा। जीएसटी रिफंड ऑनली उस केस में अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, एक्सपोर्ट का बिजनेस में आपको टैक्स पे नहीं करना होता। पहले होता था कि आपको बैंक से बॉन्ड लेना पड़ता था, अभी जीएसटी ने एलयूटी कर दिया, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जीएसटी के पोर्टल पर जाओ, 1 अप्रैल को हर साल, जैसे अभी 1 अप्रैल को एक प्राइस के लिए सभी ने एलयूटी ले ली होगी एक्सपोर्ट करने के लिए। एलयूटी आपने लिए, एक नंबर जनरेट होता है जो हमारे इनवॉइस पे जाता है, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ा। अच्छा आपने कुछ गुड्स लिया, ज्वेलरी का बिजनेस किया, 2% टैक्स, एक 0.51 जो भी डिपेंड स्टोन्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट किया, टैक्स पे निकले। लेकिन आप उसको परचेज करके लाए तो इंडिया में तो आपने टैक्स दिया है ना, उसको आप रिफंड कर, उसको आप रिफंड मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट के अगेंस्ट मतलब परचेज किया है, उसको आप रिफंड ले सकते हो। अदरवाइज आपने यहाँ इंडिया में बिजनेस कर रहे हो और आपकी इनपुट है तो आप उसको रिफंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। नहीं एनुअल रिटर्न की तो बात बहुत दूर है अभी, जीएसटी भाई क्लेम अपन करेंगे किस चीज के लिए, जीएसटी अपन क्लेम करते हैं, हां एनुअल रिटर्न भरेंगे, हां तभी देंगे। नहीं आप रिफंड क्लेम तो बाद में भी कर सकते हो, आप रिफंड क्लेम बाद में भी कर सकते हो आप। जैसे अभी इसका मैं अभी टॉपिक ले लूंगा, जीएसटी अभी एक बात करूं, 3B में 20 रुपए पर डे की पेनल्टी है और 50 रुपए पर डे की, ये पूछ सकता है आपको। 20 रुपए पर डे की पेनल्टी जब आपकी निल की रिटर्न है, मतलब आपने कोई बिजनेस नहीं किया लेकिन रिटर्न बना, 20 को आपने रिटर्न नहीं भरी, आपने 25 को या जो भी भरी, तो आपको 20 रुपए, जिसमें 10 रुपए तो जाएगा सीजीएसटी में और 10 रुपए एसजीएसटी में जाएगा। अगर आप कुछ भी आपने सेल किया हो और आपने तो 50 रुपए पर डे की पेनल्टी, 25-25 रुपए। लोग क्या कहते हैं टैक्स आने की वजह से, इसका भी लॉजिक है। जनवरी फरवरी में आपने सेल किया कुछ भी माल, ठीक है, आप भर नहीं पाए, टैक्स प्लानिंग बता रहा हूँ जो हम सभी क्लाइंटों के साथ करते हैं पेनल्टी बचाने के लिए, नहीं भर पाए। बिलिंग हमारी इनवॉइस थी जो जनवरी फरवरी की थी, सामने वाले को माल वाला तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा सर ठीक है भर देना जैसे भी है। मार्च में अपडेट आ गई, मार्च में जनवरी फरवरी का मैं बिल 3B जनवरी फरवरी की मार्च में भर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा जनवरी फरवरी की रिटर्न निल की डाल दूंगा 20 रुपए की वजह से, क्योंकि मेरे 30 रुपए बच रहे भाई, टैक्स प्लान यही जो क्लाइंट के 30 रुपए बच गए। इसमें मार्च में सारे इन्वॉइस डाल दूंगा, सारे टैक्स जमा करें, जब असेसमेंट होगा तब देखेंगे उसका। अभी तो हम 20 रुपए 30 रुपए चलेंगे क्लाइंट पर डे के हिसाब से, कोई बहुत हाई लेवल पेनल्टी है। सामने वाली पार्टी ने जीएसटी नहीं लिया और जीएसटी काट के तो कितनी करी, तो सामने वाला क्लेम अब नहीं है ना वो काम, अब तो गवर्नमेंट ने अभी 1 जनवरी से कह दिया अगर आपके पोर्टल पे शो होता है तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पहले नहीं था ये, पहले फर्जीवाड़ा बहुत चला 2 साल, गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ था। जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, आप माल बेच रहे हो, सर मैं जीएसटी में मैंने माल बेच दिया, मैंने वो मेरे को टीवी दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं दुकान, नॉर्मल रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं, आपके रिटेलर की,
आप दुकानदार हो, आपने बिलिंग में लगा कर दीजिए बी टू सी वालों को सी जी एस टी एस जी एस टी 40,000 का टीवी लिया प्लस 28% लिया, आपकी जेब में 5,600 रुपये चले गए और आपने क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। अब मुझे भी कोई मतलब नहीं था बी टू सी को कि भाई मैं करूँ इस चीज़, तो ये तो अभी भी गाँव में होता है। कोई भी हो बंदा जैसे 40,000 का टीवी लिया आपने और बिलिंग कर दिया आपने सी जी एस टी एस जी एस लगा के, आप बी टू तो गाँव वालों को क्या मतलब पड़ा, ठीक है भाई बिल दे दे, अपने गारंटी का होना चाहिए अपने, तो बस ये कहता है क्योंकि उसे ना तो इनपुट का मतलब ना कुछ मतलब होता। दुकानदार काफी सारी जी एस टी खा जाते हैं इसमें खुद ही, मतलब आपने 40,000 टीवी 40,000 का जी एस टी लगा के चार लोग जुड़ रहे तो चार दिख रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिख रहे को अगर पर्सनल कौन से नहीं आपको, आपने कल वॉशिंग नहीं नहीं जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ठीक है, आपको जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है किस चीज़ का बिजनेस करते हो, सर्विस का करोगे ट्रेडिंग करोगे वो जैसे आपको वेयर हाउस करोगे या होलसेल करोगे, जो तीन चार टॉपिक्स होते हैं अगर अदर करोगे उनमें जो टॉपिक लिखे होंगे तो स्पेसिफाई करना होता है रजिस्ट्रेशन में किया। और फिर इसमें HSN कोड जनरेट होते हैं, HSN कोड जनरेट करने के लिए उसमें लिखा होता है कि टबैको को ये HSN कोड है आप ये चीज़ करोगे वगैरह। मिनिमम मैक्सिमम पांच है, मैक्सिमम पांच है। तो क्या होता है जैसे सर्विस होता है एक होता है कोड अदर सर्विस के नाम से आता है उसमें HSN कोड, आपकी सर्विस बहुत सारी है जो उसमें कवर नहीं हो रही तो आप अदर सर्विस के कोड HSN ले लो, पता ही नहीं बहुत सारी सर्विस मैं अदर सर्विस ले लिया क्या करूँ। जैसे ये अर्बन क्लब कितनी सारी सर्विस है भाई, ये तो हेयर की सैलून की भी देता है, एसी भी सही करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बर सब कुछ देता है, तो उसने HSN कोड डाल दिया अदर सर्विस का ही, क्योंकि इतने सारे सर्विस में 5 से ज्यादा आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, अदर सर्विस सारी की चीज सर्विस कवर हो गई इसके। आप अपडेट करना पड़ेगा फिर आपको उसमें, मतलब आप आज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया जीएसटी का ठीक है, आज यार मैं तो बस एक ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, मेरा स्टार्टअप है, अगर आगे अगर 2 साल बाद कुछ और उसमें उसी जीएसटी नंबर में ऐड करना चाहते हैं सर्विस भी, तो आप जीएसटी पोर्टल पर जाओ अपडेट करो, आपका विद इन 3 से 4 डेज में अपडेशन आ जाएगा, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नया जीएसटी नंबर इशू हो, नंबर वही रहता है रजिस्ट्रेशन नया इशू होता है भाई सामने वाले ऊपर। जैसे आप बिलिंग करोगे मान लो आप अभी तक आप ट्रेडर थे, अब आप 2 साल बाद मैं सर्विस भी प्रोवाइड कराऊंगा तो सर्विस पर 18% जीएसटी है, अब आप रिटर्न भी भरोगे उस चीज के लिए तो उनको पता चलना चाहिए आप सर्विस दे रहे हो, क्योंकि उनको सब पता चल जाता है जब आप B2B B2C से करोगे इस चीज के लिए सर्विस दे रहे हो। कंपोजिशन इसमें CMP 08 जाता है रिटर्न आपकी, पूछ सकता है कि CMP 02 आपका, जैसे हर साल 1 अप्रैल को कंपोजिशन कोई भी एसएससी होता है, एसएससी कहते हैं इसमें, तो वो कहता है कि आप रेगुलर में रहना चाहते हो कंपोजिशन पर रहना चाहते हो तो CMP 02 भरा जाता है हर साल, तो पूछ सकता है। CMP 08 रिटर्न का फॉर्मेट होता है, हर क्वार्टर के एंड होने के नेक्स्ट 18 को, जैसे अभी मार्च खत्म हुआ आपका क्वार्टर, 18 अप्रैल लास्ट डेट है उसके लिए, आपको 18 अप्रैल तक कंपोजिशन स्कीम जो रजिस्टर्ड है उसका सेल जितना टर्नओवर दिखाया जनवरी फरवरी मार्च में जो आपने सेल किया उसका 1% आपको जमा कराना पड़ेगा, 0.5 CGST 0.5 SGST इसका 18, उसके बाद अगर आप जमा कराते 50 रुपये पर डे की पेनल्टी है उसमें। आप पता ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैसे लेते हैं, हाँ एक चीज और, आपके एक कोई फर्म है XYZ, इसे काफी सारे बिजनेस है, ट्रेडिंग का भी है, ट्रेडर्स भी है, सर्विस भी देता है, सर्विस भी देता है। अब आप ये कहते हो कि यार ये क्या करता है, जो सामान खरीदता है ना आप इसको आपस में एडजस्ट नहीं करते, जैसे XYZ रेस्टोरेंट का बिजनेस भी चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है इसकी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है ठीक है, WC रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक शॉप लिंक जनरेट करके रखे ना ताकि वो लिंक भेज दे उससे छोड़े सकते हैं। इसमें ये दूसरा जीएसटी नंबर ले भी सकता है लेकिन बोला कि मैं जीएसटी नंबर मेरी एक ही फर्म प्रॉपर्टीशिप X2 भी है क्योंकि मेरे को ये लकी रहा है जीएसटी नंबर तो मैं तो उसी में काम करूंगा। रेस्टोरेंट कंपोजर स्कीम में आता है ये धनक 5%, ये 18% में आ जाता है। अच्छा ये रेगुलर में रजिस्टर्ड है ये ध्यान रखना क्योंकि तो इसकी मजबूरी होगी रेगुलर में रजिस्टर करना क्योंकि तो WC वर्क कॉन्ट्रैक्ट वालों को कंपोजर स्कीम नहीं मिलेगी। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया वो मैं बताऊंगा अभी आपको, WC वालों के लिए एक अपडेशन आया अभी 6 महीने पहले कि रेगुलर में कराना जरूरी नहीं है, उनको कंपोजर स्कीम अलाउ है लेकिन उसमें टैक्स रेट ज्यादा है उसकी।
सर्विस वाला हाँ कंपोजिंग स्कीम में ले लेते हो, वो रेस्टोरेंट नहीं होगा ना वो तो। अभी वर्क काउंटर के लिए नया आ गया ना अभी, वो मैं बता दूंगा इसके लिए 6% है उसमें रेट। कंपोजिंग स्कीम में ले सकते वर्क काउंटर का भी 6% है उसमें 3-3। और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जिसका 18 भी है, 5 भी है, 28 भी है, जो भी रेट लगती है। रेस्टोरेंट के लिए सामान लेकर आता है ये कॉफी जिसपे 18% है, चेयर्स फिक्स सेट्स भी लेकर आता है, कुछ किराने का सामान भी लेकर आता है, कुछ भी क्रॉकरी वगैरह लेकर आता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लेकर आता ये, क्योंकि तो अपनी सर्विस लेबर लेता है मार्केट। जैसे कोई बिल्डर हुआ यूडी वाला, वो बोलता है यार मेरे को पूरी बिल्डिंग में पेंट करना है, ठीक है कर दूंगा, सामान यूबी वाले का रहता है सारा, बस तुम्हें लेबर लेकर आनी। लेबर पर कभी भी सर्वे भाई भाजपा कैजुअल लेबर ले ली मार्केट से 10 बंदे उठाए और करा ली और फिर 18% का बिल दे दिया यूबी वाले को, ठीक है। और यहाँ इसने सामान बेचा, अब क्या इनपुट तो आ गई उसमें आपके पोर्टल पे, इसकी भी आ गई, कॉफी वाले ने भी जमा करा दिया आपकी इनपुट 18%, और इसके तो खैर क्या जमा करा गया तो बल्कि पे करेगा इसका। कॉफी वाले ने 18% जीएसटी जमा कराई और ये भी जमा कराई, ये आप अभी सेट ऑफ नहीं होंगे, ये ध्यान रखना इसमें। रीजन अगर आप कुछ सामान बेच रहे हो और वो उसी से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड आप इनपुट क्लेम करोगे। रेस्टोरेंट पे आपने कॉफी पे खरीदा परचेज किया, कॉफी परचेज किया, कुछ भी सामान पर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ भी आपने परचेज किया और उस पर आपकी इनपुट जमा, आपने जीएसटी नंबर दोगे सामने वाले को, ठीक है, और उससे आपको क्या कहते हैं जीएसटी जमा होगी इनपुट वहाँ पोर्टल पर, तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट पर आपको आईटीसी लेने का कोई राइट नहीं है आपको, बल्कि 5% टैक्स जमा कराना। तो एक प्रैक्टिकल बनकर आ सकता है छोटा सा, इस पर ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना लेन देन नहीं देगा वो, कि रेस्टोरेंट सर्विस है डब्ल्यूसी का क्या आपस में सेट ऑफ हो सकता है, इनपुट क्लेम कर सकता है, नहीं इनपुट जो भी अपना कब तक ले सकते हैं कभी भी लो, इनपुट का कभी पड़ी है पोर्टल पे भी ये लोग है ना, वो तो रिफंड तो होने वाले नहीं है, आप बिजनेस नहीं करोगे तो, नहीं तो आप बंद करो तो आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो मंथली रिटर्न तो मिल के जाएंगे। अगर आप सेल आपकी जीरो है, समझो सेल आपकी जीरो है तो मिल के रिटर्न भरनी पड़ेगी, वो बोले यार बिजनेस नहीं चला और आपकी इनपुट पड़ी होगी 1,00,000 रुपए की, तो वो लैप्स हो जाएगी। अगर आप बंद क्लोज करते तो वो रिफंड नहीं होगी आपके इस चीज पे। अच्छा हाँ, WC 6% वाला बता रहा था, अभी अमेंडमेंट आया था WC वालों के लिए, मतलब ओनली सर्विस वालों के लिए। ये कहता है कि अगर आपको 50,00,000 से कम का टर्नओवर है, कुछ लिमिट है 50,00,000 की, अगर आपका टर्नओवर 50,00,000, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए बोला कि आपको रेगुलर में ही रजिस्टर्ड होना जरूरी है, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट बंदा भाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया लेबर का, मैंने इनपुट तो कुछ लिया नहीं दिया नहीं, और कंपोजिशन स्कीम ओनली 1% जमा कराना पड़ता है, तो इसमें तो गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट 1-1 करोड़ के होते हैं, कोई 10-20,000 का तो होता नहीं है, तो इसे फ्लैट 18% टैक्स रेट है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले बोलते हैं सर हम तो 50,00,000 का हमारा टर्नओवर कम है, 20,00,000 से ज्यादा है लेकिन 50,00,000 से कम है, अगर 20,00,000 तक है तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है, 20,00,000 तो हमें, हम 18% का बहुत ज्यादा हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो आपको 6% में आ गए, उसमें कंडीशन डाली है, एक तो आपको इनपुट किसी चीज नहीं मिलेगी, 50,00,000 से कम का टर्नओवर होना चाहिए, तो ये कंडीशन अभी आया, ये दिसंबर में भी 6 महीने पहले आया, लास्ट ईयर आया कोरोना के जस्ट में, तो ये अपडेशन पूछ सकता है। तो इसमें आपको सब मेटेरियल का नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये कंपोजिशन स्कीम हो गई इसकी, कंपोजिशन स्कीम, और इसमें अदर स्टेट में काम नहीं करेगा भाई, सेम स्टेट में करेगा बंदा, तो फिर रेगुलर लेना पड़ेगा ना, तो रेगुलर ले लेते तो अदर स्टेट में भाई, अदर स्टेट में काम, भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट काम 20,00,000 तक तो कोई जरूरत नहीं है, अगर 20,00,000 से कम का भी है ना बंदा और वो अदर स्टेट में काम करना चाहता है तो उसके लिए भी इसको मैंडेटरी कर दिया जीएसटी लेना, ठीक है। अब आपका टर्नओवर है 40,00,000 रुपए का, वो बोलता है ठीक है मेरा 40,00,000 का, मैं इसी स्टेट में काम करना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता नहीं, तो कंपोजिशन स्कीम में ले लेता हूँ, क्यों वैसे 18% लेता हूँ सामने, बिल्डर को भी लॉस होता है इसमें, बिल्डर ही कहता है आपको, क्यों ये तो क्या है 100 रुपए प्लस 18 का बिल बना के दे देगा सामने वाले को, बिल्डर को, बिल्डर को बिल दे दिया इसने, इसकी जेब से कुछ नहीं लगा, मेरे तो मेहनत का पैसा 100 रुपए भाई, मैं तो आज भी 100 रुपए ले रहा हूँ, लेकिन जो टैक्स 18 रुपए बिल्डर से लूंगा मैं गवर्नमेंट जमा करा दूँ, मेरे जैसे कुछ नहीं लगा, बिल्डर कहता है भाई तू कंपोजिशन में आ जा, 6% में काम हो जाएगा, 12% मेरा बच जाएगा, मैं मेरी फ्लैट की कीमत कम हो जाएगी भाई, वो देखो कहीं क्या होता है, नंबर 2 में कर लेता है ना बिल्डर भी, आप टैक्स प्लानिंग समझो ना, जैसे मैं बिल्डर हूँ, बिल्डर में मैंने क्या किया, मैंने तुमसे पेंट काम करा, फर्नीचर काम करवाया, ठीक है, फर्नीचर वाले के पास वैसे जीएसटी नंबर नहीं रहता छोटे वालों के पास, ठीक, मटेरियल आपका दे दिया या कंडीशन हो जाती, मटेरियल भी तेरा ही है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो कल तू कंपोजिशन में आ जा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी इनपुट पड़ी हुई है, जैसे आपको 10 बिल्डर, एक यूबी वाला बहुत बड़ा बिल्डर हुआ, इसके बहुत सारे वर्क तो मेरे पास बहुत सारी इनपुट पड़ी हुई है, तो 12% बचेगा, 12% बचेगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी फ्लैट की, तो मेरी 12% सेविंग्स हो गई, वो टैक्स प्लानिंग हो गई, क्लेम पर
काफी सारा पड़ा हुआ है इस पे, पर इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा भाई नया भाई लिमिट क्या है 50 लाख रुपए, रेट क्या है इसकी, सीजीएसटी से आईजीएसटी अदर स्टेट में काम नहीं करोगे इसलिए 50 लाख की लिमिट करोगे, और ये लिमिट पूछा कितना डीपली, ये तो वो टैक्स प्लानिंग का हो जाती है फिर बाद में। नहीं इसमें तो मैं तो टेक्सटाइल बैठ बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, कितना डीप वो तो टेक्सटाइल सोच ले तो प्रैक्टिकल कई बार बन के आ जाता है तो हम सोच सकते कि ऐसा हो जाएगा ऐसे नहीं बन कर आएगा। अच्छा इस साल तो इस साल पोर्शन बहुत ज्यादा आईडीटी का 70% पोर्शन दे दिया, कस्टम भी बहुत सारा ब्रीफ दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा दे दिया उन्होंने। तो इसमें क्वेश्चंस कितने आते तुम्हारे डेट वैसे लास्ट के पेपर के था 50 डीटी आईडीटी दोनों मिला के तो एक नंबर का एक ही हो गया दो नंबर का हो गया तीन नंबर का पच्चीस नंबर के आधा नंबर के लिए इतना और नेगेटिव मार्किंग तो उसमें भी आधे नंबर में क्या काटोगे बंद थोड़ा बचेगा नहीं उसमें बेचारे में तो कुछ भी मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं ज्यादा डीप मैं खुद ही कर रहा हूँ आपको भाई इसमें आप ज्यादा घुसोगे ना तो आपको ये सब्जेक्ट तो पास नहीं करना आपको काफी सारे सब्जेक्ट के साथ बेस में तो बेसिकली प्रैक्टिकली मैं जैसे बीच में बोल रहा हूँ कि ये पूछ सकते हैं तो इस पे आप फोकस करो इस चीज के लिए तो बेसिकली मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा इसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ सीजीएसटी एजीएसटी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है हर कोई करा सकता है इंडिविजुअली कंपनी वगैरह जो भी नॉर्म्स होते हैं जैसे इंडिविजुअली पर्सन को एड्रेस प्रूफ सबसे बड़ा चाहिए रेंट एग्रीमेंट मान लो आपको एड्रेस प्रूफ के लिए लीज डीड होती है जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो चाहिए आपको क्या बिजनेस करना है तो आपको डिटेल दे दो फर्म का नाम जो भी आपको है तो विद इन 15 डेज में हाँ कोई कॉस्ट नहीं है इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन कराना हाँ ऑनलाइन पोर्टल पर होगा कोई मैनुअल सब मैनुअली बंद हो चुका है इस चीज के लिए पहले मैनुअली होते सारे काम आ जाओ डिपार्टमेंट पैसे दो के आओ फिर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे अब सब बंद हो गया और कंपनी के लिए कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो उसके लिए आप डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स एमओए एओए रजिस्ट्रेशन आरओसी जो भी इसके नॉर्म्स होते हैं सबसे आपको चले जाएंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताई दिया इसके 3B और 1 का एक होती है एनुअल रिटर्न जाती है आपकी ईयरली और एनुअल रिटर्न जैसे अभी 19-20 की जो खत्म हुई है लास्ट ईयर की वो अभी 31 मार्च की थी डेट जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एनुअल रिटर्न देखो दो होती हैं जीएसटी 9 और एक 9A 9 तो होती रिटर्न और ये ऑडिट वाली ही होती है ऑडिट की पहले लिमिट 2 करोड़ की थी अब 5 करोड़ कर दी ये आप पूछ सकते हैं जीएसटी नहीं रिटर्न की तो अभी भी 2 करोड़ है ऑडिट की पहले 2 करोड़ थी तो अब 5 करोड़ हुई है तो आप पूछ सकते हैं कि ऑडिट की लिमिट क्या है आपकी अभी हाँ अब तो ऑडिट खत्म कर दी सॉरी ऑडिट अब खत्म कर दी पहले 5 करोड़ की लिमिट थी कि पहले 2 करोड़ डाली फिर 5 करोड़ की है 5 करोड़ से ऊपर वाला जिनका टर्नओवर उनको ऑडिट होना मैंडेटरी है लेकिन अब ऑडिट बिल्कुल अबॉलिश कर दी बिल्कुल खत्म ही कर दिया ऑडिट करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी जो रिलायंस हुई अडानी ग्रुप हुआ इनमें काफी सारा झोलमाल हुआ है ऑडिट में सारा पकड़ में आएगा तो इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया आपस में इंटरनली मोदी जी से बोल के हैं जीएसटी 9 जो जाती है वो एनुअल रिटर्न जाती है जिनका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है 2 करोड़ से कम का टर्नओवर वाला करा सकता है मैंडेटरी नहीं है अगर आप कराना चाहते हो तो कराना जब पड़ता है अगर 2 करोड़ से ऊपर के इसमें क्या एडजस्टमेंट होते हैं आपने पूरे साल में 3B और 1 में जो भी 3B में और 1 में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है आपका सेल में भाई 3B में आपने जो टर्नओवर दिखाया उस पर टैक्स पे किया जीएसटी 1 में कभी टैक्स पे नहीं होता बस उसमें ये B2B B2C के इनवॉइस जाते हैं उसके अंदर किसान वाले को इनपुट मिल जाए इस चीज के लिए अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो GST 9 आपको एक रिकंसिलेशन करने का मौका देता है कि आप इसमें रिकंसिलेशन कर दो अगर आपने टैक्स कम जमा कराया तो वो टैक्स पे कर दो पेनल्टी उस टाइम पर नहीं लगेगी जब असेसमेंट होगा रिटर्न का तो AO निकाल के देगा सर आपने इतना लेट जमा कराया तो आपको इतनी पेनल्टी लगेगी GST 9 में काफी सारे जैसे क्रेडिट नोट हुआ डेबिट नोट हुआ या कोई इनपुट आपसे रह गई हो मैच कर सकते हो या हमारी कम इनपुट क्लेम किया हमने एक्सपोर्ट किया कुछ भी डिफरेंस आ रहा हो आप कर सकते हो दूसरी चीज कार होती है कार पे है ना 28% टैक्स है तो कभी भी इनपुट नहीं मिलेगी ध्यान रखना अगर आपका बिजनेस जैसे जिंदल स्टील का बहुत बड़ा प्लांट है स्टील का उसके अंदर गाड़ी यूज होती है सामान ले जाने के लिए इंटरनल फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी गाड़ी होती है ना स्टील की उस पर आपको इनपुट मिल जाएगा
क्यों किसका उसको मिलेगी ना, जैसे अरे मैं हूँ, मेरा बिजनेस एक कोई भी कंपनी का बिजनेस हुआ नॉर्मली, और मैं कार खरीद ली और मेरे पास 28% जीएसटी लगा, तो मैं इसका इनपुट नहीं, वर्क काउंटर जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हुआ और वो कार खरीदता है 3-3 लग्जरी कार, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नहीं उसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के अंदर काम आने वाली छोटी छोटी गाड़ी होती है, ट्रक वगैरह वैसे, जो सामान को एक दूसरे से कैरी करके ले जाती है, तो उनके लिए मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट को तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बिजनेस के अंदर फैक्ट्री। अरे 30% 20% पर्सनल यूज के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम अगर कंपनी काम कर रहे हो, वो बोलते मेरे को वॉशिंग मशीन ला के दो, वो बोले अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदी वो अभी तो आप इनपुट ले लो, लेकिन जब वो असेसमेंट होगा ना, जब बोलेगा भाई साहब तुम्हारे वॉशिंग मशीन क्या काम आती है सब, मैं तो अपने कपड़े धोता हूँ, कपड़े घर पर नहीं धुलते तुम्हारे, आपने गद्दे मंगवा लिए सब फैक्ट्री के नाम से कंपनी में, भाई गद्दे क्या करेगा, सोएगी लेबर क्या करेगा, काम करेगा, तो आप इनपुट ले लीजिए 18% गद्दों पे, मैट्रेस वगैरह पे, तो ये चीज डिपेंड करता है कि आप हाँ जीएसटी नंबर का इनपुट क्लेम मत करो भाई इसका, बाद में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। एक होता है रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए लगता है रिवर्स चार्ज ओनली, बस और वैसे नहीं है रिवर्स चार्ज। ट्रांसपोर्टर ये कहता है कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, सामने वाला जिस पर डिलीवरी जा रही है वो टैक्स पे करेगा, जैसे गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी हुई वगैरह, ये अगर वो खुद जमा करा देता तो ठीक है, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा, पहले आप पे कर दो फिर उसको नीचे क्लेम कर लो, इनपुट आई टी सी ले लो उस चीज की, तो एक रिवर्स बैक होता है ये चीजें। कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेगुलर वालों के लिए जरूरी, क्योंकि मंथली इनकी रिटर्न जाती है तो मेंटेन करना जरूरी है, बाकायदा पूरे का भी पूछ सकता है। कंपोजिशन स्कीम में तो वैसे भी जब आप रिटर्न भरोगे, देखो कंपोजिशन स्कीम में तो आपकी मर्जी का मालिक है, 4 लाख दिखाओ, 5 लाख जितने के दिखाओ आप उसने बिल काट दो, क्योंकि टर्न मैं अच्छा कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड होता है ना बंदा, उससे कम परचेज करना पसंद करता है, वो ज्यादातर बीटूसी में बेचता है, बीटूबी वाला कभी परचेज नहीं करेगा, अरे भाई तेरे से परचेज कर क्या करूंगा मैं, मेरे को इनपुट ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूंगा तेरे से परचेज करके, मेरे को इनपुट ही नहीं मिलेगी, चैन खत्म हो गई ना, ब्रेक हो गई उसकी चैन, तो वो किसको बेचता है, बीटूसी वालों के लिए, तो उसे कोई मतलब नहीं है, बीटूसी वाला कोई मतलब ही नहीं रखता, मैं तो 4 लाख की सेल देखूँ, 5 लाख मेरे को जीएसटी मैंडेटरी इसलिए ले रखा है कि मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का है, ठीक है भाई मेरे को जरूरी है। भाई 20 लाख से ऊपर जाते ही आपको दो आ जाते हैं ऑप्शन, या रेगुलर में जाओ या कंपोजिशन में जाओ, नंबर एक में। अगर 20 लाख से कम का दिखाते हो तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न में भी वही टर्नओवर दिखाना पड़ता है हमें आईडीटी में, जैसे आपको लोन वगैरह लेना है फ्यूचर्स में भी, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी तरह भरनी पड़ती है ना इसके लिए। अब आप वहां दिखाओगे टैक्स बचाएंगे 5 लाख का टर्नओवर, 6 लाख का, तो कौन लोन दे देगा आपके लिए, बाजार में मार्केट की वैल्यू नहीं रहेगी आपके, 20 लाख से ऊपर गए तो आपको लोन मतलब टर्नओवर जितना ज्यादा रहता है उस हिसाब से वो भी लोन की मिल जाती है इस चीज के लिए। जॉब वर्क एक टॉपिक बहुत अच्छा है, जॉब वर्क कौन होते हैं, जैसे जापान बहुत सारा जॉब वर्क होता है, जैसे कुर्तियों का होता है, कपड़ों का होता है, सांगाने में सारा जॉब वर्क ही होता है। जॉब वर्क में क्या होता है, जैसे आपकी एक फैक्ट्री है यहाँ पे, जैसे आप खुद की फैक्ट्री है, आपके यहाँ कच्चा माल पड़ा हुआ कपड़ा 1000 मीटर, जॉब वर्क पे क्या कहते हैं यहाँ न्यू सांगानेर के अंदर काफी सारा जॉब वर्क होता है, क्योंकि काफी सारे लोग पेंटिंग काम करते हैं, स्टिचिंग का भी काम करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं। फैक्ट्री से गोडाउन से उठ के वहां माल जाता है तो उसके लिए चालान क्रिएट होता है, आपने 1000 मीटर माल दिया सामने वाले के लिए, उसने मेरे को कितने पीस लौटा के दिए, 100 पीस लौटा के कुर्तियों के, जो भी डिपेंड करता है, तो वो एक प्रकार जॉब वर्क काम होता है, तो इसके लिए हमें ना एक चालान कटता है और ITC 4 में इसकी रिटर्न जाती है जीएसटी में कि हमने इतना जॉब वर्क काम करवाया। जॉब वर्क पे 5% टैक्स है, ये रेट पूछा जॉब वर्क पे कितनी रेट है, 5% है। जॉब वर्क कभी भी IGST में तो होता नहीं है, अदर स्टेट में तो किसी कॉस्ट लगेगा वो चीजें विदिन स्टेट कराएगा, यहाँ का कराएगा भाई, यहाँ से गुजरात तो भेजेगा नहीं जॉब वर्क कराने के लिए काम कर, फिर तो वहाँ से परचेज ही कर लेगा, तो हाँ नहीं इतना फिर जाएगा नहीं इतना, तो वो बोले मैं कितना सो के ले जाऊंगा, क्योंकि फिर IGST हो जाएगा ना, फिर उसका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा खुद के लिए हो जाएंगे, तो 2.5 लगता है इस पर। जॉब वर्क को TDS भी कटता है इनकम टैक्स में, अगर TDS 1% इसमें 94C में जो कटता है 1% TDS कटेगा, 2% उसका है क्या कहते हैं कंपनी पे, मैं तो प्रॉपर्टीशिप की बात कर रहा हूँ, 1% के लिए कंपनी पे हुआ तो 2% वो TDS काटेगा सामने वाला, सामने वाला इंडिविजुअली, जैसे ज्यादातर बंदे इंडिविजुअली होते हैं जॉब वर्क में, तो उनका 1% TDS काटेगा ना, कंपनी पे 2% है
प्रॉपर्टनरशिप फर्म तो प्रॉपर्टनरशिप फर्म हो गई ना भाई, फर्म दो तरह से, कई लोग क्या कहते हैं फर्म को पार्टनरशिप भी मानते हैं। और पैर छूने के तुम कभी रसाल के तो नहीं छूता? इंडिविजुअल पूछो भी, बहुत इंडिविजुअल प्रॉपर्टनरशिप फर्म हुई आपके अब्दुल ट्रेडर्स, उसमें अकेला बंदा प्रॉपर्टनरशिप पे है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टनरशिप फर्म होगी तो फर्म ही वो एक इंडिविजुअल होगी ना, क्योंकि उसका पैन कार्ड नया नहीं बना फर्म के नाम से, मेरा नाम शरद है तो मैंने अपने नाम से फर्म खोल ली सिंगल शरद एंड कंपनी, तो मेरा तो मेरा पैन कार्ड यूज हुआ तो मेरी फर्म का वो इंडिविजुअल हो गया। फर्म होगी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन कार्ड बनता है तो उस पर टीडीएस अलग की लाइबिलिटी आ जाएगी इस चीज के लिए। हाँ वो तो कंपनी में होगा ना, कंपनी वगैरह सब कुछ हो गया ना, कंपनी इन पर अदर देन एचयूएफ और इंडिविजुअल। हाँ फर्म पार्टनरशिप फर्म हो गई ना फिर पार्टनर्स के लिए इस चीज के लिए। जीएसटी में काफी सारी एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन जैसे आपकी एग्रीकल्चर पे नहीं लगता जीएसटी वगैरह, मिल्क पे नहीं लगता, ये डेयरी प्रोडक्ट पे नहीं लगता, लस्सी पे लगता है, लेकिन मतलब नेचर डायरेक्टली दूध पे नहीं लगेगा, दूध से कुछ बनेगा बाय प्रोडक्ट जैसे पनीर हुआ, दूध, छाछ, लस्सी, इस पे आपका 5% टैक्स का आपका, आइसक्रीम पे है 12%। ये रेट पूछ सकता है कि आइसक्रीम पे कितना वगैरह कहते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर होता है एक तो आइसक्रीम का, एक टबैको का, ये कंपोजिट स्कीम में नहीं जाएंगे। मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम का हुआ ओनली, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर जिसने आइसक्रीम बनाता है और टबैको बनाता है वो कभी भी कंपोजिट स्कीम में नहीं जाएंगे, उनको रेगुलर मैंडेटरी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, टबैको बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला कंपोजिट स्कीम में आ सकता है, ट्रेडर हो गया ना वो, तो ट्रेडर हो ना। पेट्रोल ये जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है अभी भी वैट में ही है, ये अभी उसमें नहीं आया है, इसमें नहीं है, क्या कहते हैं अपने जीएसटी में नहीं आया है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है, क्योंकि अल्कोहल के जो जाते हैं अगर जीएसटी लेकर आ जाएंगे तो जीएसटी में क्या होगा, सीएससी तो आधी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी, तो हर स्टेट अल्कोहल में बेचता हूँ सबसे ज्यादा, और टेंडर वो तो अल्कोहल पे है ना, तो वो तो उसमें कवर होगी ना आपकी, तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब 28% दे तो दिया उस पे, मैंने जब ही तो रेगुलर में डाला है ना इसको, इसमें सेफ ही है 12% अलग से, जैसे 28% लगा 28% का 12% और लगेगा इसके ऊपर। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पे 28% प्लस 12% सेफ है कोल्ड ड्रिंक पर भी, कोल्ड ड्रिंक आपकी बहुत सस्ती पड़ती है, पेप्सी की बोतल मात्र 20 रुपए की, 40 की आती है वो आधा लीटर की, उसमें कम से 15 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। जो भी हमें हार्मफुल होते हैं ना हमारे लिए, जैसे टैबैको हुए, सभी पे सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट ले, कम से कम यूज करें इसके वाले, लेकर लेकर का तो पर वैट है ना भैया, आपकी जो बियर अभी 135-140 की हो रही है मात्र, उसकी 20 रुपये कॉस्ट है, आपका यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो मेरे क्लाइंट ही है, तो वो बोलते हैं 20-30 रुपये आती है, लेकिन गवर्नमेंट की 80 रुपये की रेवेन्यू वहाँ जाती है गवर्नमेंट खाते में, तो 120-30 रुपये की पड़ती है, तो उनको जो वो होते हैं ना ठेके, उनको मात्र 20 रुपये मिलते हैं बियर की बोतल में, और आपको उससे 70-80 रुपये मिलते नहीं, 20 रुपए की कॉस्ट आती है अलवर से, भिवाड़ी में किंगफिशर का प्लांट है, वहां से फिर 100 रुपए की इनको बेची जाती है 90 या 100 रुपए की, जिसमें 80 रुपए का जो मार्जिन है ना वो गवर्नमेंट खाते में जाता है सबसे ज्यादा, और इनको मात्र 20-30 रुपए मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा जब 8 बजे जाते हैं तो सबसे ज्यादा 4 बजे इकट्ठे हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बेचो उनको, जितनी ज्यादा बेचोगे तो। हाँ लग्जरी कार पे इसलिए लगाए कि भाई पैसे वाला खरीदेगा, एसी कौन लगा, एसी देखो मैं तो नहीं लगाऊं, कूलर से काम चला लूं, कूलर पर नहीं इतना टैक्स, एसी पर 28% है लग्जरी, भाई इसको हाथी पालो लेकिन उसका खर्चा भी तो पालो, एक तो जुड़ा है फाइनल में था, सीए फाइनल में वेल टैक्स, कुछ 10 नंबर का क्वेश्चन आते थे उस पर, 10-15% बस। हाँ अमीरों पे लगा, अमीरों के लिए बनाया था वेल टैक्स वगैरह, वो उन्हीं की वजह से आता है सबसे ज्यादा टैक्स इसी पे, 28% इस पे सबसे ज्यादा। और पूछो तुम कुछ पूछना चाहते हो तो, वैसे तो बाद में चालू करो। हाँ सिलेबस जैसे भाई कवर पूरा किया, लेकिन आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चंस को जाएंगे सिलेक्टेड इसमें एमसीक्यू में, तो क्या पूछेगा उसमें, तो रेट पूछ लेगा, रिटर्न पूछ लेगा भाई, मेरे को ड्यूरेशन आप बता दो कब का है, 30-40 क्लास लग जाएंगे, 30-40 हाँ दोनों डीटी और जीएसटी में, मेरे को 30 मिनिमम तो 30 है, इससे ज्यादा ही जाएंगे क्लास, क्योंकि तो अगर इससे मैं 20 में कंप्लीट करूंगा तो एक भागा दौड़ वैसे हो जाएगी, मजा आपको भी मजा पढ़ने में नहीं आएगा इतना। आप अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं,
अब पढ़ा भी लेते हैं। हाँ 15 में हो गए थे ना, तो बड़े मुश्किल से। मैं साइंस से हूँ वैसे तो, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो 11th में मैथ साइंस लिया था, अच्छी थी मैथ, फिर मैंने बायोलॉजी ले ली 12th में, PMT में नंबर नहीं आया, आई मीन उस टाइम पे बहुत पहले की बात है, नंबर नहीं आया तो फिर मैंने सोचा BCom कर लेता हूँ, कुछ तो करें इसके बाद। फिर BCom करने के बाद CA स्टार्ट किया, कि BCom करने के बाद कुछ बचा नहीं मेरे पास, फिर मैंने CA स्टार्ट किया था। मतलब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, अगर 11th 12th नहीं पढ़ा तो, वैसे तो नॉलेज अच्छी है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी नेक्स्ट क्लास पानी पिला दो बस, और ये आपका माइक फोन में यहाँ लेकर आ गया। Thank you.